कि बर्फ में मैंने चिड़िया को देखा, वो उनको कुछ नहीं होता। एक ब्रीडिंग कर रहा है बर्ड? बिल्कुल सर, ब्रीड कर रहा है। तो ब्रीडिंग में जो प्रॉब्लम, सर्दियों में एक आइडियल टेम्परेचर को इसका बता सकते हैं? आइडियल टेम्परेचर मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? टेम्परेचर जो इंटरनेशनल मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, जब आप लोकल मेथड को फॉलो करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम। हाउसिंग बताएं, हाउसिंग में तीन चार चीजें आएंगी। हाउसिंग में इसका केज आ जाएगा, इसका टेम्परेचर आ जाएगा, इसकी वेंटिलेशन आ जाएगी। तो हाउसिंग इसकी जो है ना, उसके बारे में हाउसिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? एक दाना नजर नहीं आता, जब इसको हम ऐसे फूंक से इसका छिलका उड़ा देते हैं। मेरा सारा साल मेरी ये सीट चलती है, इसमें एक चीज भी ऊपर नीचे नहीं होती सारा साल, 12 महीने। कोई आप भी मेरी तरह एक बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, राइट? तो क्योंकि लोगों ने एक हवा फैला दी हुई है कि यार गोल्डियन ना लेना, गोल्डियन मर जाती है। वो मरती इसलिए कि आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते उसका। मेडिसिन है रोनिविट 12%, जी जी ठीक। और एक इसकी ये मेडिसिन है स्कैट, राइट। अब आप ये देख रहे हैं 4 से 5 डिजीज हैं जो ये कवर कर लेती है, ये जो रोनिविट 12% है। अगर वो एक साइड पे फूल के बैठा हुआ तो आपने बर्ड वो नहीं लेना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नेटवर्क फार्मिंग के साथ आपका होस्ट डॉक्टर वकास हाजिर खिदमत है। जी फ्रेंड, आज हम दोबारा सर निज़ामुद्दीन साहब के पास हाजिर हुए हैं। तो आज जो है ना, हम आपको, क्योंकि ना ये मेरी कोशिश होती है, जो कामयाब बंदा है मैं उसको ना छोड़ूं, जो कामयाब बंदा है मैं बार बार उसके पास हाजिर होता हूं। तो ये सर जो है ना मुझे टाइम दे देते हैं, ये इनकी मोहब्बत है। तो ये बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, नेटवर्क फार्मिंग। तो आपको कोशिश करूंगा कि आप सब कुछ सीखें। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा, सर से ये पूछते हैं, सर जी हमें ये बताएं कि एक नया फैंसियर है, उसको खरीदते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी फीडिंग करवाता है उसको क्या प्रॉब्लम आती हैं, हाउसिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और सेल करने में क्या प्रॉब्लम आती है। ये सिर्फ आज आपने ना प्रॉब्लम्स बतानी है कि क्या क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हर बंदे के माइंड में होता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? जी बिल्कुल, व्यूअर्स को ये बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम्स बताना, क्योंकि देखें परचेजिंग में भी कुछ लोग परचेजिंग ठीक नहीं करते। जब वो घर बर्ड लेके जाएंगे, बीमार बर्ड ले जाएंगे तो वो प्रॉब्लम वहीं पर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उसे ब्रीड लेते वक्त कोई बीमारी का शिकार हो गया तो उसको फेस करना नहीं आएगा, तो तब भी प्रॉब्लम है। फिर वो उसको खुराक ही ठीक नहीं दे रहा तो वो ब्रीड से ही नहीं करेगा, उसका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, इनफर्टिलिटीज़ के इशू आ जाएंगे, डेडिंग सेल के इशूज़ आ जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम्स को तो फिर आस्ता आस्ता हम कवर करते जाएंगे। लेकिन मैं एक न्यू फैंसर को ये ज़रूर गाइड करूँगा कि जब भी आपने परचेस करना है बर्ड, मेरा सेल करने का तरीकाकार क्या होता है कि मेरे पास वो सारे बर्ड वहाँ पे लगे हुए हैं। मुझे अगर कोई पूछता है कि यार भाई आपने एक बर्ड परचेस करना है, मैंने आपसे इतने बर्ड लेने हैं, मैं कहता हूँ ठीक है यार आपने बर्ड लेने, मेरे पास एक छोटा सा केज है इतना साइज़ का, तो मैं उसमें उसको डालता हूँ और उसकी एक वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बना के उनको मैं उड़ा के भी दिखाता हूँ, देखें इसकी फ्लाइंग, टेल, नेल, हर चीज़ ओके है। ये उन कस्टमर्स के साथ है जो ऑनलाइन परचेजिंग मुझसे कर रहे हैं, जो लाहौर में रहते नहीं है, जो इस्लामाबाद में है, जो पेशावर में है। मेरा यहाँ से जब बर्ड सेल होता है तो मेरा पूरे पाकिस्तान में सेल होता है और पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी जाता है। हाँ, अगर आप लाहौर के अंदर हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आप खुद मेरे सेटअप पे आएँ, विज़िट करें, अपनी आंखों से देखें बर्ड को, उसकी हेल्थ, उसकी टांगे, नाखून, पर, उसकी फ्लाइंग, और उसको देखें फुदक रहा है, एक्टिव है। अगर वो एक साइड पे फूल के बैठा हुआ तो आपने बर्ड वो नहीं लेना। हाँ, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार ये किसी वजह से फूल के बैठा हुआ है तब भी नहीं आपने लेना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई मर्ज़ होगा तो वो फूल के बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो आपने सारी चीज़ें बर्ड को चेक कर ली बर्ड खरीदने से पहले। अब आप बर्ड एक ओके, आप बर्ड लेके आप घर चले गए। अच्छा, गोल्डियन में एक प्रॉब्लम आता है, गोल्डियन जब भी एक शर्ट से दूसरे शर्ट में जाती है तो ये इसमें 25% स्ट्रेस के चांसेस होते हैं कि स्ट्रेस में आ जाती है। तो मैं अपने न्यू फैंसर को ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप गोल्डियन लें, आप गोल्डियन तो ज़रूर लें लेकिन साथ मेडिसिन लाजमी लिया करें। इसकी एक बहुत अहम मेडिसिन है रोनिविट 12%। अगर आप कहें तो मैं दिखा दूँ उसको रोनिविट 12% को। जी जी बिल्कुल, जी जी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये इसकी एक मेडिसिन है रोनिविट 12%, जी जी ठीक। और एक इसकी ये मेडिसिन है स्कैट, राइट। अब आप ये देख रहे हैं कि इस रोनिविट 12% पे भी गोल्डियन की तस्वीर बनी हुई है, बैंगलीज की तस्वीर बनी है, और इस पे भी गोल्डियन की ही तस्वीर बनी हुई है और किसी पैरट की या किसी और स्पीसीज की तस्वीर नहीं बनी हुई। तो ये चीज़ें स्पेशल इन्हीं के लिए डिज़ाइन की गई हैं, विटा फार्म ने इन्हीं के लिए बनाई है। अच्छा, ये एक तो जब आप बर्ड परचेस करेंगे तो उसको जाते साथ ही आप रोनिविट 12% का कोर्स करवा दें, उसका स्ट्रेस वगैरह दूर हो जाएगा उसके अंदर, जो क्योंकि ये कुछ 4 से 5 डिजीज़ हैं जो ये कवर कर लेती है ये जो रोनिविट 12% है। तो इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जब ब्रीडिंग लेनी है तो बच्चों को भी कैसे यूज़ करा सकते हैं। जी ठीक है, वो उसकी ये जो स्कैट है ये स्केली माइट्स के लिए होती है। गोल्डियन का एक खास मर्ज़ है कि इनको माइट्स आ जाते हैं,
क्योंकि लोगों ने एक हवा फैला दी हुई है कि यार गोल्डियन ना लेना, गोल्डियन मर जाती है। वो मरती इसलिए कि आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते उसका। जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, जब आप उसको पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे तो फिर आपकी गोल्डियन ही मरेगी। तो अगर ये मरने का इतना डर होता तो मैं गोल्डियन क्यों पालता, मैंने इतना अच्छा फार्म मैंने क्यों बना लिया, गोल्डियन की ब्रीडिंग फार्म इतना बड़ा क्यों बना लिया। तो मेरे पास सर्वाइव कर सकता है तो आपके पास भी सर्वाइव कर सकता है। तो आप भी इसको सर्वाइवल करके आप इसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं और आप भी मेरी तरह एक बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। राइट, तो ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, आपने खरीदते वक्त जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बता दी हैं। अब ये बताएं कि फीडिंग का जो खुराक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फीडिंग में। हाँ, फीडिंग में आपने इनको डाइट बिल्कुल सिंपल देनी है। जो मैं फीड देता हूँ गोल्डियन के लिए, गोल्डियन और बेंगलिस के लिए मेरी सेम एक ही फीड जाती है। ऐसा नहीं है कि गोल्डियन के अलग से फीड बनेगी और बेंगलिस के लिए अलग फीड बनेगी। फीड इनको एक ही है, दाना एक ही साइज एक ही किस्म का जाता है। हाँ, चेंज कहाँ पे मैं करता हूँ कि सॉर्ट फूड में चेंजिंग करता हूँ। सॉर्ट फूड गोल्डियन के अलग बनता है और बेंगलिस के लिए अलग बनता है। अच्छा, अब वो भी मैं आपके व्यूवर्स को बता देता हूँ गोल्डियन के अलग सॉर्ट फूड क्यों बनता है। गोल्डियन के अलग सॉर्ट फूड इसलिए बनता है कि गोल्डियन से, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि गोल्डियन से हमने एग ले करवाने हैं, इनसे एग लेने हैं, इनसे हमने बच्चे नहीं पलवाने, इनके एग उठा के हमने बेंगलिस को दे देने हैं, बेंगलिस ने इनके बच्चे पालने हैं। तो बेंगलिस को अब जब मैं इनका सॉफ्ट फूड बनाऊंगा तो इनके सॉफ्ट फूड में एग के अंदर मैं कटल फिश बोन पाउडर भी डालूंगा, कैल्शियम भी डालूंगा, मोरिंगा पाउडर भी डालूंगा, विटामिन भी डालूंगा, मिनरल्स भी डालूंगा, सारे किस्म की चीज़ें इसमें जाएंगी। और वो हैवी विटामिन, हैवी मिनरल्स, हैवी प्रोटीन बच्चों को नहीं चाहिए, बच्चों को सादा गज़ा चाहिए। तो जब मैं सॉफ्ट फूड बनाता हूँ तो गोल्डियन का अलग सॉफ्ट फूड बनता है और बेंगलिस का अलग सॉफ्ट फूड बनता है। तो आप इसी तरह इनको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सीड मिक्स इनको एक ही देंगे। और सीड में क्या होता है कि तीनों कंगनियाँ आपने इक्वल तादाद में मिक्स कर लेनी है, लाल कंगनी, गोल कंगनी और देसी कंगनी इक्वल तादाद में मिक्स करें और उनको सीड, गोल्डियन को भी ये सीड दें और बेंगलिस को भी ये सीड दें। सारा साल मेरी ये सीड चलती है, इसमें एक चीज़ भी ऊपर नीचे नहीं होती, सारा साल 12 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं आता मुझे इसके अंदर। तो पूरा ये इजीली अवेलेबल भी हो जाती है मार्केट से? मार्केट में कंगनियाँ, कनेरी मिलती है, आप कनेरी, वो कंगनी मिलती है, कनेरी नहीं डालनी आपने, कनेरी और तो चीज़। आप ये उठा के दिखा सकते हैं किस तरह के फील? जी जी बिल्कुल, ये देखें, ये इसमें तीनों कंगनियाँ मिक्स हैं, इसमें लाल कंगनी है, गोल कंगनी है और देसी कंगनी है। अच्छा, ये आपने इधर फूंक क्यों मारी है? ये इसलिए फूंक मारी है कि जब बर्ड दाना खाता है तो वो उसका छिलका जो है ना इसी में छोड़ देता है और वो दाना खा के वो साइड पे वो छिलका इसके ऊपर आ जाता है और बर्ड को सही दाना नजर नहीं आता। जब इसको हम ऐसे फूंक से इसका छिलका उड़ा देते हैं, मेरा जो सफाई वाला है, वो जो सफाई करता है सुबह आके, वो यही काम करता है, एक कंटेनर भर देता है और वो डेली आके इसका छिलका उड़ा देता है और ये कंटेनर आपका 4 से 5 दिन चल जाता है, गोल्डन 4 से 5 दिन आराम से लगा रहता है ये। ठीक है, हाउसिंग बताएं। हाउसिंग में तीन चार चीज़ें आएंगी। हाउसिंग में इसका केज आ जाएगा, इसका टेम्परेचर आ जाएगा, इसकी वेंटिलेशन आ जाएगी। तो हाउसिंग इसकी जो है ना, उसके बारे में हाउसिंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मैं जो भी न्यू फैंसियर है ना, मेरी कोशिश होती है कि न्यू फैंसियर आयरन के केज में ब्रीड ले। आयरन के केज में मैं रिकमेंड करता हूँ और लकड़ी के केज में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लकड़ी के केज में इसलिए रिकमेंड नहीं करता, लोग ना सस्ते की तरफ भागते हैं और सस्ती चीज़ लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा, आयरन का केज लेंगे आपका एक्सपेंसिव ज़रूर होगा ये, लेकिन आपको फॉर एवर इसका रिजल्ट मिलेगा। लकड़ी के केज में क्या होता है कि ये लकड़ी का बॉक्स लगाना हमारी मजबूरी है, ये हम इसमें ब्रीड हमने लेनी है, इसको भी हम कूपेक्स पाउडर डालते हैं, हर ब्रीड के बाद कूपेक्स पाउडर डाल के इसको हम डिसइंफेक्शन करते हैं, दूसरी तरीकों से भी करते हैं। लकड़ी का केज डिसइंफेक्शन नहीं होता, उसमें जरासीम घुसता है तो अंदर ही घुसा रहता है, वो फिर निकलता नहीं है, वो डिसइंफेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आयरन के केज में आप स्प्रे मारें, जब आपका सीजन ऑफ होता है आप स्प्रे मारें, ये आपका जो डिसइंफेक्शन हो जाता है, केज धुल भी सकता है, ट्रे निकाल के आप धो भी सकते हैं और वो साफ भी हो जाती है। लकड़ी के केज में ये होता है कि गंद अंदर ही पड़ा रहता है, फिर आप वो उससे एक नैला मिलता है उसे साफ करके बाहर निकालते हैं तो वो गंद साफ सही तरह से होता नहीं है। फिर लकड़ी के केज में और भी बड़े इश्यूज हैं जो फेस करने पड़ते हैं। केज सर जो होता है, केज ये कुछ लोग कहते हैं जी कि ये जो फोल्डिंग केज नहीं लेने चाहिए, वो उनके पायदारी नहीं होती, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं सर, फोल्डिंग केज में ही ब्रीड लेनी चाहिए। देखें आप, ये एक इंटरनेशनल मेथड है फोल्डिंग केज का जो है ना, ये इंटरनेशनल मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। जब आप लोकल मेथड को फॉलो करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, फिर लोग मेरे पास आते हैं कि यार ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर लोगों ने बॉक्स भी अंदर लगाए होते हैं, जब वो फीमेल एग ले कर देती है, बॉक्स को अंदर हाथ डाल के बॉक्स को उठा के चेक करते हैं तो फीमेल वो गुस्सा करती है तो फीमेल अपने अंडे उठा के नेक्स्ट टाइम में बाहर फेंक देती है। राइट, तो ये भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है, इसने फीमेल ने अंडे दिए, मैंने बाहर से इसको थोड़ा सा नॉक किया, फीमेल को बाहर निकाल दिया, वो खुद ही समझ आएगी ये बॉक्स खोने लगा है। अगर इसमें अगर मैं उठाऊंगा फीमेल अंदर बैठी होगी तो थोड़ा सा इशारा करूंगा, फीमेल तो चली जाएगी बाहर, मैं इसकी चेकिंग करूंगा, अंडे चेक करके मैं इसको दोबारा ऐसे बंद कर दूंगा। इसको कोई बॉक्स को मैंने हिलाया जुलाया नहीं, वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा है। सही है, तो अपनी जगह पर वहीं पर इंस्पेक्शन ईजिली हो सकती है।
तो आयरन केज के अंदर, फोल्डिंग केज के अंदर यही आपको सहूलत रहती है कि आपके बॉक्स बाहर लगा हुआ है, आप उसकी इंस्पेक्शन इजीली कर सकते हैं, अंडे को आप देख सकते हैं, आप बर्ड की केयर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और लकड़ी के केज में ये होता है कि बॉक्स आपका अंदर लगा होता है, वहाँ पे बाहर लगेगा बॉक्स तो वो लकड़ी का, वो जो लकड़ी का केज होगा उसमें जाली हल्की लगी होती है, जब आप बॉक्स लगाएंगे तो वो बॉक्स हिलता रहता है, राइट, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है आपको। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं जी कि फोल्डिंग केज में मसले आते हैं, आपको 4 साल हो गए हैं और मुझे तो ना इस पे कोई जंग लगा हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा कि जो लोग ये कहते हैं। आपको एक और बात बताता हूँ इसमें कि फोल्डिंग केज, ये 4 साल तो मुझे इसमें हो गया ना, तो मैं शुरू से जब से मैंने काम स्टार्ट किया 10 साल हो गया मुझे एग्रीकल्चर के अंदर बर्ड की ब्रीडिंग लेते हुए, शुरू से लकड़िया केज अपने घर में लाया ही नहीं मैंने। अच्छा। फोल्डिंग केज में ही इनकी ब्रीड लिया, फोल्डिंग केज से ही सक्सेस लिया है और सारा काम मुझे अल्लाह का शुक्र है फोल्डिंग केज ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। लकड़ी के केज में मुझे रिजल्ट नहीं आते नजर आते किसी के। सही है। और ये जो आपने, कुछ लोग ये वो मट्टी का लगाते हैं तो इसके प्रॉब्लम क्या, मट्टी के प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है इसमें, क्या प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मटका भी लग सकता है, मटके में भी ये ब्रीड करती है, अच्छी ब्रीड करती है, लेकिन मटका यहाँ पे फिक्स होना जरा वो मुश्किल काम है। यहाँ पे मैं बाहर फिक्स करूंगा तो उसमें जगह होती है कि बर्ड साइड से निकल सकता है, तो बॉक्स जो होता है वो बिल्कुल एक सिमेट्री होती है उसकी, वो अच्छी तरह फिक्स हो जाता है, तो इसलिए बॉक्स को प्रेफर किया जाता है। मटके में भी लोग ब्रीड करते हैं, मैं मटके को बुरा नहीं कहता, मटके में आप कॉलोनी में आप लगाते हैं, कॉलोनी में बर्ड चलता है तो वहाँ पे मटके ही काम आ रहे होते हैं। राइट। टेम्परेचर मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? टेम्परेचर आपका जो है बेसिकली इसका, आपके पास जो भी शेड हो उसकी क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जो शेड लगा हुआ है उसके एक साइड पे चिलर लगा हुआ है, और गर्मियाँ जब ऐसी स्टार्ट होती हैं तो चिलर में मैं पानी की मोटरें लगी हुई हैं 12 वाट की, वो पानी की मोटरें जो है ना वो पैड गीला कर देती हैं, और आगे मैंने 2 फैन लगा रखे हैं, वो फ़ैन जब चलते हैं तो ठंडी हवा अंदर आती है, और दूसरी साइड पे मेरे वो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, वो एग्जॉस्ट जो है वो थर्मोस्टेट के साथ अटैच है, उसके साथ मैंने आके ऑन ऑफ नहीं करना एग्जॉस्ट को, तो वो थर्मोस्टेट के साथ अटैच है, थर्मोस्टेट इस तरह लगाया हुआ है जैसे टेम्परेचर मेरा 30 होगा तो वो ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट चल पड़ेंगे, जब वो चल पड़ेंगे तो यहाँ से ठंडी हवा अंदर आएगी, गर्म हवा वहाँ से बाहर फेंकेगा, क्रॉस वेंटिलेशन आपकी हो जाएगी, जब आपकी क्रॉस वेंटिलेशन शेड के अंदर रहेगी तो टेम्परेचर बड़ा मेंटेन रहेगा, तो मुझे सर्दियाँ गर्मियाँ प्रॉब्लम नहीं होती टेम्परेचर। सर कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि आप 12 वोल्ट की लगाएंगे, कभी 12 वोल्ट की मतलब इतनी हैवी नहीं होती, तो क्या मतलब वो अच्छी एसी लगानी चाहिए या डीसी जो वो लगा सकते हैं? ये भी प्रॉब्लम मैंने काफ़ी देखी है, काफ़ी लोग ये गाइड कर रहे होते हैं कि आप जो है ना ये 12 वोल्ट वाली ना लगाएं, इसमें इतना हवा नहीं होती, इसका इतना प्रेशर नहीं होता। मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसकी, मैंने 12 वाट की मोटरें लगाई हुई हैं, 12 वाट की कौन सी मोटर है, वो जो आपके फिश एक्वेरियम में मोटर नहीं लगती जो पंप को ऊपर हवा, वो फिश एक्वेरियम वाली मोटरें लगी हुई है, 12 वाट की मोटर होती है वो। अच्छा, तो वही मैंने लगा रखी है, एयर कंप्रेसर जिसे कहते हैं। जी, एयर कंप्रेसर जो है वो लगा हुआ, वो पानी को ऊपर फेंकता है और पानी पूरा पैड मेरा गीला करता है वो। ठीक है। पैड मेरा ख्याल है कि 4 फुट लंबा है और तकरीबन 2.5 फुट चौड़ा है एक पैड, और 2 पैड लगे हुए हैं, 5 फुट के 2 पैड लगे हुए हैं, तो 2 मोटरें लगाई हुई हैं, 2.5 फुट का पैड एक 12 वाट की मोटर गीला कर देती है सारा, तो ये 2 फैन लगे हुए आगे। ठीक है। ये क्रॉस वेंटिलेशन अगर आपकी शेड में रहती है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब आ गए सर्दियों में, सर्दियाँ कैसे आपने गुजारनी है, मेरा शेड जो है ना चारों तरफ से कवर है इस वक्त भी, राइट, ये प्लास्टिक लगा हुआ, और प्लास्टिक मेरा गर्मियों में भी नहीं उतरता, सख्त गर्मियों में भी नहीं उतरता। सही। क्योंकि सख्त गर्मियों में क्या होता है कि प्लास्टिक उतार दूंगा तो लू अंदर आ जाएगी, तो मैं लू से बचाता हूँ उनको, और वो इसमें गर्मी नहीं आएगी क्योंकि वो चिलर चल रहा है, चिलर ने ठंडक अंदर ठंड देनी है। सही है। तो सर बाहर का टेम्परेचर, अभी मैं आया हूँ तकरीबन बाहर का कोई 7-8 टेम्परेचर है, लेकिन अंदर मैंने टेम्परेचर देखा है तकरीबन 17-18 जो है ना ये चल रहा है, ये अभी 18.2 है और टेम्परेचर, और ये इस वक्त बाहर का टेम्परेचर 7-8 होगा, अभी जनवरी की आज 13 तारीख है। ना तो यहाँ आपने कोई हीटर लगाया, ना तो मतलब कोई हीटर नहीं लगाया, सिर्फ आपने शॉपर लगाया हुआ है वो पॉलीथीन, जिस टेम्परेचर मतलब ये है कि अब मैं खड़ा हूँ ना, मैं तो कंफर्टेबल हूँ, तो बर्ड भी मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि जिससे मतलब ये कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, सारे माशाल्लाह इजीली खेल रहे हैं। तो सर्दियों का टेम्परेचर मतलब गर्मियों का भी टेम्परेचर बता दिया आपने, सर्दियों में एक आइडियल टेम्परेचर को इसका बता सकते हैं? आइडियल टेम्परेचर इसका 20 होता है, 20 to 25 इसका आइडियल टेम्परेचर होता है, लेकिन इस वक्त 18 है तो ये थोड़ा सा कम है, कोई मसला नहीं है, ये 15 भी होगा तो मेरा बर्ड हेल्दी रहेगा, मेरा बर्ड एक्टिव रहेगा और इसी तरह खेलता रहेगा। एक ब्रीडिंग कर रहा है बर्ड? बिल्कुल सर, ब्रीड कर रहा है। तो ब्रीडिंग में जो प्रॉब्लम आएगी वो बताएं, टेम्परेचर के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती टेम्परेचर में, ब्रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। देखें टेम्परेचर अगर आपका 13 टेम्परेचर शेड का हो जाए, 13 टू मच लो, टेम्परेचर बहुत कम होता है,
लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो बॉक्स के अंदर होते हैं यहाँ पे right. और इसके अंदर हमने नेस्टिंग की होती है, वो नेस्टिंग में छुपे होते हैं, ऊपर माँ बाप बैठे होते हैं, जब तक वो नंगे रहते हैं माँ बाप उनको सहारा दे रखते हैं right. तो जब उनके पर आने हैं तो, क्योंकि एक और चीज़ बता दूँ एग्रीकल्चर के हिसाब से बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने बर्ड्स को वार्म ब्लडेड और कूल ब्लडेड बनाया है right. ये सर्दियों में अपना वार्म ब्लड कर लेते हैं और गर्मियों में अपना कूल ब्लडेड कर लेते हैं right. तो ये अल्लाह ताला इनको खासियत दी है, तो ये इनको सर्दी गर्मी नहीं लगती। मैंने बल्कि कुछ यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखी है कि बर्फ में मैंने चिड़िया को देखा, वो उनको कुछ नहीं होता। जी जी, इनमें दोनों खसूसियत रखी है। जी जी बिल्कुल, इनमें दोनों खसूसियत रखी है। जी जी माशाल्लाह, ये आपने बहुत साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दी कि ये जो लोग समझने वाले हैं उनको समझ आ जाएगी।